दोस्तों लावा ने लॉन्च किया अपना नया 100% मेड इन इंडिया मोबाइल। अब देखते हैं कि आखिर क्या है इसका सच, क्या ये 100% मेड इन इंडिया है या फिर हमें सिर्फ दोबारा से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियोज़ में इंटरेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। दोस्तों लावा का Z61 Pro अभी जुलाई में लॉन्च हुआ है और ये आपको 2+ 16 GB वाले वेरिएंट में मिलेगा। हालांकि आप मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 128 GB विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट 16 GB यार क्यों दिए, मतलब 2+32 काफ़ी अच्छा रहता आज के टाइम में। लेकिन हाँ, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसमें आपको कैमरा स्पेसिफिकेशन भी इतने खास नहीं दिए हैं कि आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी 32 GB की ज़रूरत तो इंसान को पड़ ही जाती है। तो अब हम बात कर रहे थे इसके अलावा डिस्प्ले की, तो आपको 5.45 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। LCD डिस्प्ले है यहाँ पर 720p वाली, मतलब HD+ डिस्प्ले है, तो इतने प्राइस रेंज में तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते। प्राइस मैंने आपको बताया कि 5800 रुपये इसका प्राइस रखा गया है 2+ 16 GB वाले वेरिएंट। तो अंडर 6000 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है और एक मतलब अफोर्डेबल प्राइस है, काफ़ी हर कोई इंसान इसको अफोर्ड करता है। बट डिस्प्ले बिल्कुल बेकार है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ काफ़ी बड़े बड़े बेजल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लगभग 2 साल पहले जब मोबाइल लॉन्च होते थे उसमें ऐसे बेजल्स देखने के लिए हमें मिलते थे। और 18:9 की डिस्प्ले आपको मिली हुई है, तो यहाँ पर अब इस समय मिनिमम 19:9 तो आ ही रहा है, जबकि मोस्टली मोबाइल यहाँ पर 20:9 के साथ में आ रहे हैं। तो ये भी एक इसका निगेटिव पॉइंट है। डिस्प्ले हालांकि 720p से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस प्राइस रेंज में यही मिल सकता है, बट आज का जो ट्रेंड है उसको तो फॉलो किया होता, कम से कम एक वाटर ड्रॉप नोच ही दे दी होती तो काफ़ी बेटर रहता। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा। बैक साइड में आपको सिंगल कैमरा मिला है जो 8 MP का है। हालांकि आप पोर्ट्रेट शॉट इससे ले सकते हो, जो हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड पोर्ट्रेट सिस्टम होता है वो इस पर भी लागू होता है। तो बिना फालतू में अगर 2 MP का डेप्थ सेंसर चिपकाते तब भी इतना ही काम करता जितना कि हमारा सॉफ्टवेयर से पोर्ट्रेट शॉट ले लिए जाएंगे। तो विदाउट एनी प्रॉब्लम हम ये कह सकते हैं कि 8 MP की जगह का 12 MP होता तो काफ़ी बेटर होता आज के ट्रेंड के हिसाब से, जैसे कि आजकल लोग पिक्चर क्लिक करना पसंद करते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है क्लियर हो चुका है कि कैमरा लवर्स के लिए ये मोबाइल बिल्कुल भी नहीं है। आप 6000 से नीचे अगर आप अच्छा कैमरा एक्सपेक्ट करते हैं तब आप इसको नहीं ले सकते। हालांकि 6000 से नीचे आपको रेडमी गो भी मिलता है, उसमें भी आपको सेम कैमरा स्पेसिफिकेशन ही देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको कंपटीशन तो सेम ही रहने वाला है, इससे अच्छा कैमरा स्पेसिफिकेशन भी आपको 6000 से नीचे तो मिलता नहीं है, आपको 6000 से ऊपर ही जाना पड़ेगा। हालांकि डिस्प्ले पर आपको 2.5D ग्लास की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि मैं कहूँगा अंडर 6000 एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको दे सकती है। अब हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के बारे में कहीं भी कंपनी ने बताया नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। तुम्हारे भाई ने रिसर्च पूरी की और पता लगाया कि यहाँ पर आपको यूनिसॉक का SC9863A प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो 28 नैनोमीटर पर बना हुआ है। जी हाँ, मजाक लग रहा है ना, लग रहा है कि आप 2 साल पहले चले गए। जी हाँ, ये टाइम ट्रेवल नहीं हो रहा है, ये मोबाइल के बारे में ही बता रहा हूँ मैं। 28 नैनोमीटर यार इतना ज़्यादा हीट करेगा मोबाइल, इतना ज़्यादा स्लो हो जाएगा कि आपका मन भी नहीं करेगा उसको ऐप्स को ओपन करने का, इतना ज़्यादा स्लो आपको परफॉर्म करेगा। आज के टाइम में 12 नैनोमीटर तक तो एटलीस्ट मिल ही रहा है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते, तो कम से कम 12 नैनोमीटर तक आ ही सकते थे। तो ये बहुत गलत बात कही है यहाँ पर लावा वालों ने, काम गलत किया है। मेड इन इंडिया सोच के हम इसकी लावा की कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये उल्टा हमें लूट खसोट रही है। ये एक तरह से पीठ पर झुरा घोंपने वाली बात हो जाती है कि हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वही हमें अपने आप को मजबूर कर रहा है कि हम उसको सपोर्ट ना करें। हालांकि कोर्स ठीक है, आपको कोर्टेक्स A55 की 8 कोर देखने के लिए मिलती हैं जो 1.6 GHz तक 4 क्लॉक हैं और बाकी जो 4 क्लॉक हैं वो 1.2 GHz तक क्लॉक हैं। GPU भी ठीक ठाक ही है, IMG का पावर VR GE 8322 देखने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक से रहेगी, इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी अच्छी भी आपको नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, 28 नैनोमीटर नहीं होना चाहिए यार, कम से कम 12 नैनोमीटर तो ज़रूर होना चाहिए था। कोर्स और GPU ठीक है, बट फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में मैं लावा को डिसलाइक ही करूँगा। एंड्रॉयड 9 पर ही आपको मिला है और आपको स्टॉक एंड्रॉयड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो UI है वो स्टॉक एंड्रॉयड है। ये काफ़ी अच्छा लगा कि यार अंडर 6000 आपको स्टॉक एंड्रॉयड का एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पर आपको LPDDR4 RAM भी प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर भी कोई कंजूसी नहीं की गई है। बैटरी आपको 3100mAh की मिली है और 5 वाट का चार्जर मिला है जो इस बैटरी को 3.5 घंटे में चार्ज करेगा। 3100mAh की बैटरी, 5 वाट का चार्जर और 28 नैनोमीटर का प्रोसेसर, तो भाई साहब ये कॉम्बिनेशन बहुत गड़बड़ है। अगर चला लिया 5 घंटे नेट पे तो मोबाइल आपका डेड हो जाना है 5 घंटे से पहले ही। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं J26 यूज़ कर चुका हूँ सैमसंग का, तो मुझे पता है कि नेट वगैरह पे बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता है ये प्रोसेसर, क्योंकि 28 नैनोमीटर बहुत ज़्यादा हीट होगा और आपका जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा कंजप्शन यहाँ पर होने वाला है। एटलीस्ट आप सब जानते हैं कि 6000 से नीचे प्रोसेसर
है, तो जो इतने मतलब हैवी लोग नहीं ले सकते, जो ज़्यादा अमीर हैं, गरीब लोग ही इस मोबाइल को लेने वाले हैं, घर के यूज़ के लिए लेने वाले हैं, तो एटलीस्ट यार कम से कम 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर प्रोवाइड करनी ही करनी थी, या फिर प्रोसेसर एक अच्छा दिया हुआ होता तो काफ़ी बेटर होता यहाँ पर। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो हम इंडियन लोग मेड इन इंडिया का वेट कर रहे थे और इन्होंने हमें क्या ला करके दिया है, चाइना का प्रोसेसर। जी हाँ, फुल टू चाइनीज़ प्रोसेसर है और वो भी 28 nm का। स्नैपड्रैगन का यार 425 या 435 या 439 ही यूज़ कर लिया होता तो काफ़ी बेटर यहाँ पर परफॉर्मेंस हमें मिल सकती थी, उनके भी अंतुति स्कोर लगभग आसपास ही जाते। तो प्रोसेसर की तरफ से मैं यहाँ पर नाराज़ हूँ, थोड़ा बैक कैमरे की तरफ से थोड़ा गुस्सा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 8 की जगह 12 होना चाहिए था। बाकी ओवरऑल कहूँ तो बैटरी यहाँ पर कम से कम 5000 mAh की होती तो ठीक ठाक रहता। बाकी मैं यही कहूँगा कि जो पूरा मोबाइल है वो डाउनग्रेड है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है आपके हिसाब से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके जो है कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।